हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। शिव और निमृत में हुई है घर में धमासान लड़ाई और शिव की वजह से निमृत की आंखों में निकले हैं आंसू। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट, तो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस, जो निमृत है वो काफी ज्यादा अलग दिखाई दे रही है, अभी काफी सारी चीजें करती हुई दिखाई दे रही है। गौतम और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है और इसी बीच में जो है निमृत के पास कुछ कॉफी जो थी वो गायब हो चुकी है। इसके ऊपर जो है निमृत शिव ठाकरे के रूम में वो कॉफी ढूंढने के लिए गई और ये बात शिव ठाकरे को बहुत ही ज्यादा बुरी लगी। शिव ठाकरे जो है वो निमृत के पास जाते हैं, सोफे पे जो है वहां पर अंकित बैठे होते हैं, शायद मान्या बैठी होती है, वहां पर शिव जाते हैं और शिव जो है निमृत से बात कर रहे होते हैं कि आज तुझे जो भी चीज करना हो वो तू कैप्टन से पूछ के करना। जहां पर निमृत हाइपर हो जाती है और शिव ठाकरे बोलते हैं कि भाई मैं ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा ना, मैं नीची आवाज में बात कर रहा हूँ ना, नॉर्मली तू बात कर। जहां पर वो चुप हो जाती है और चुप होने के बाद जिस तरीके से वो मुंह बना के बैठती है तो शिव जो है हंसने लग जाते हैं और निमृत बोलती है शिव इट्स नॉट फनी। तो वहां पर शिव ये बात फिर स्टार्ट करते हैं कि चल ठीक है, तू मुझे ये बात बता कि कॉफी गुम हुई थी पर वो तेरे ही रूम से मिली, ठीक है? तेरे रूम में ही अगर वो कॉफी थी तो तूने अपने रूम में पहले क्यों नहीं देखी, और अगर वहीं पर थी तुझे पता चल गया तो मेरे रूम में ढूंढने के लिए क्यों गई। ये बातें जो है उन्होंने काफी ज्यादा तरीके से बोली कि वहां पर निमृत जो है कुछ आंसर ही नहीं दे पाई और इतनी ज्यादा हाइपर हो गई, इतनी ज्यादा चिल्लाने लगी तो शिव ठाकरे ने भी चिल्लाया, तो वहां पर जो है वो उसकी आंखों से आंसू आया और निमृत वहां से निकल गई, जिसके बारे में बोलते हुए जो है शिव ठाकरे गौतम से नजर आए हैं। भाई अभी शिव भी काफी ज्यादा चार्ज है, मुझे लगता है कि घर के अंदर प्रियंका, शिव ठाकरे, गौतम, निमृत और जो अंकित है वो भी स्ट्रांग है, सुम्बुल भी स्ट्रांग है, टीना भी स्ट्रांग है। एक्चुअली मैं सब लोग स्ट्रांग है, मैं क्यों नाम बोलने लग गई हूँ। हालांकि आप लोगों को कौन स्ट्रांग लगता है घर में वो बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।